जी व्यूअर्स, वीकेंड स्पेशल गार्लिक ब्रेड एंड फिश एंड चिप्स रेडी है। हैव अ लुक। फिश एंड चिप्स फिश एंड फ्रेंच फ्राइज विद सॉस। और ये गार्लिक ब्रेड है, ये विदाउट ओवन गार्लिक ब्रेड। These are the sauces: white sauce, ketchup, and peri peri sauce. और ये OTG oven की garlic bread है। लुक, इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड चीजी ब्रेड। लुक, दिस इज विदाउट ओवन एंड दिस इज इन OTG ओवन। वेरी यमी, मस्ट ट्राई। लाइक सब्सक्राइब अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लग रही हैं। साथ साथ मैं आपको टेबल डिकोर के आइडियाज़ भी दे रही हूँ, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहले तो मैंने आपको आज वीकेंड स्पेशल में बनाई गार्लिक ब्रेड की मैंने डो बना दी। अब हम फिश एंड चिप्स, क्योंकि हमारा मेन्यू गार्लिक ब्रेड एंड फिश एंड चिप्स। अब मैं ये फिश फिले लिए हुए हैं, ऑलमोस्ट ये 700 ग्राम है, और इनको मैं ऐसे कट्स डाल रही हूँ ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी सी हो। ये मैं इस तरह फिश फिले की कट्स डाल के राउंड्स में मैरिनेशन के लिए रखूंगी। मैरिनेशन की बारी आएगी। मैरिनेशन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1/2 टीस्पून मैंने ली है सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है, 1 टीस्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर, एंड 1/2 टीस्पून, क्योंकि इट्स अप टू यू कि आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। हम थोड़ी सी स्पाइसी खाना चाहते हैं क्योंकि एशियन है, तो थोड़ा सा फ्लेवर हम खुद ही ऐड कर रहे हैं। तो ये मैंने सब्ज़ जो मिर्च है, ग्रीन चिल्ली, उसको मैंने क्रश किया हुआ, और पिंच ऑफ ओरिगेनो एंड अ पिंच ऑफ फूड कलर। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करके जो फिश फिले मैंने आपके सामने बनाए हैं, कटिंग की है अभी, उनको इसमें अच्छे से मैरिनेट करूंगी ऑलमोस्ट 1.5 आवर के लिए। ये हमारी होगी मैरिनेशन, देन नेक्स्ट स्टेप के लिए हम बाद में मिलते हैं। तो हमारी फिश मैरिनेट हो गई है। अब इसको मैं 1 आवर, इट्स अप टू 1 or 2 आवर्स के लिए मैरिनेट के लिए रखती है। ये देखे, मैंने पहले फिश मैरिनेट किया। आप फिश मैरिनेट के बाद जो फिश की कोडिंग है ना, वो कैसे करनी है मैं बता रही हूँ। ऑलमोस्ट जितनी आपकी फिश है, मेरी फिश है ऑलमोस्ट 700 ग्राम, यानी कि 1 किलो से थोड़ी कम है, 1 kg से। तो मैंने उसके लिए ऑलमोस्ट 1/2 कप मैदा ली है, और 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैंने रेड पेपर ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ली है गार्लिक पाउडर, पिंच ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ओरिगेनो ली है, और पिंच ऑफ येलो कलर कि इसका कलर गोल्डन गोल्डन आए, और 2 eggs ली हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी,
जो हमारा पेस्ट है वो बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी नहीं आएगा, जैसे पकौड़ों का होता है ना मिक्सचर, उस टाइप से हम ना इस मिक्सचर को बनाएंगे। हल्का हल्का वाटर डाल के जितना मुझे रिक्वायर है मेरी पेस्ट, मैं उतनी बनाऊंगी। ये देखें मेरी पेस्ट बन रही है, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन चाइनीज सॉल्ट इसलिए मैं यूज़ करती हूँ कि अगर मैंने इसको प्रिजर्व नहीं करना, मैंने ये देखो फिश एंड चिप्स का जो मिक्सचर है ये हमें आज ही यूज़ करना है, आज ही हमने खा लेना है, तो प्रिजर्व करने के लिए चाइनीज सॉल्ट इज़ डेंजरस। 1 टीस्पून बल्कि 1/2 टीस्पून मैंने चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर दिए फ्लेवर के लिए, और ये अपने मेरे फिश का मिक्सचर, इट्स अप टू यू, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप ना डालें चाइनीज सॉल्ट, बट मैं डालती हूँ। ये देखें मेरा मिक्सचर बन गया, ऐसा मिक्सचर बने, और ये मैं रख लेती हूँ। हमारे वीकेंड स्पेशल गार्लिक ब्रेड एंड फिश एंड चिप्स का मेन्यू है, और गार्लिक ब्रेड विद एंड विदाउट ओवन मैंने आपको बना के बता दी, दिखा दी है। अब आ गई है हमारी फिश एंड चिप्स की फ्राई होने की, तो ये ऑलरेडी मैंने आपके सामने मैरिनेशन कर ली थी, और ये मैंने अभी मैदा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ओरिगैनो और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अब इसको सबसे पहले मैं, और पैन में मैंने ऑयल जो है ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं फ्राइंग के लिए, तो बहुत कम लिया कि ताकि जितना उतनी ज़रूरत है जिसमें डिप हो जाइए। ये मैं ऐसे पहले पूरे तरीके से इसको करके, और ये जो मिक्सचर आपके सामने बनाया था वो मैं इसमें कर रही हूँ, स्प्रेड डिप कर रही हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और ये इस तरीके से अच्छे से मिक्सचर करने के बाद आई विल डिप दिस फिश इन द मिक्सचर। अब एक थोड़ा सा मेरा मिक्सचर में ऐसे हो गया, इसको मैं ऊपर से ही कवर कर लूँगी, क्योंकि ये दिस वन, अभी मेरा मिक्सचर अच्छे से हो गया। अब सेम एज इट इज़ मैं अपनी दूसरी फिश के पीस के साथ करती हूँ। ये देखिए सेकंड फिश की, अल्हम्दुलिल्लाह ए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसके साथ, और इसको तकरीबन 5 मिनट बाद मैं पलटूंगी। ये देखें ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए, और हमारी जो फिश है एक साइड से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई है। अब आ गई है, ये मैंने कट करके रखे हुए हैं ये चिप्स, फिश भी हमारी फ्राई, गार्लिक ब्रेड भी बन गई, और लास्ट टर्न फिश की है, और सॉस मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये मैंने ऑलरेडी आपको अपने पहले भी सिखा दी हुई है, वाइट सॉस पहले सिखाई है, पहले जो मैंने सॉस बनाई थी उसमें कलर ज़रा ग्रीन था, वो ग्रीन कलर में होती थी लोडेड फ्राइज की, लेकिन ये मैंने वाइट सॉस इसके साथ बनाई है, सेम सॉस है, बस इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर और चिली फ्लेक्स डाले हैं। जी व्यूअर्स, वीकेंड स्पेशल गार्लिक ब्रेड एंड फिश एंड चिप्स रेडी है, हैव अ लुक। फिश एंड चिप्स, फिश एंड फ्रेंच फ्राइज विद सॉस, और ये गार्लिक ब्रेड है, ये विदाउट ओवन गार्लिक ब्रेड, these are the sauces, white sauce, ketchup and peri peri sauce, और ये OTG oven की garlic bread है। Look. It's a very soft and cheesy bread. Look. This is without oven. And this is in OTG oven. Very yummy, must try. लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लग रही हैं
और साथ साथ मैं आपको टेबल डिकोर के आइडियाज़ भी दे रही हूँ, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।